फ्रेंड्स, मैंने अगले वीडियो में आपको बताया था कि किस तरह से आप केक को बेक कर सकते हो। सेकंड मैं आपको बताऊंगी कि टीन साइज क्या होनी चाहिए। जब आप नया नया केक घर के लिए बनाते हो तो सबसे पहले बहुत सारे लोग हार्ट शेप के टीन ले लेते हैं, और वो भी बड़ी बड़ी साइज के, या राउंड टीन ले गए तो भी बड़ी साइज के। पर उसमें जब भी वो केक बनाते हैं तो उसकी केक पेन केक जैसी बनती है, फ्लैट बनती है। फिर आपको लगता है कि भाई ये रेसिपी प्रॉपर नहीं है, पर ऐसा बिल्कुल नहीं है। हमेशा टीन साइज आप कितनी केक बना रहे हो उस पर डिपेंड करता है। जैसे आप 500 केक बना रहे हो और आपने 1 kg के टीन में उसको बना दी तो ऑफकोर्स वो पेन केक ही बनेगी। पर अगर आप 500 ग्राम की केक बना रहे हो तो उसके लिए आपको चाहिए 5 इंच का टीन। 5 इंच का टीन है ये, और ये टीन है हाइटेड, यानी इसकी जो हाइट है 3 इंच। ठीक है, आप देख सकते हो। हमेशा केक बेक करने के लिए एल्यूमिनियम के टीन सबसे बेस्ट है। नॉन स्टिक भी नहीं, ग्लास के भी नहीं, सबसे बेस्ट है एल्यूमिनियम। और जितने टीन आपके पुराने हो गए उतना बेकिंग अच्छा होता है, तो ये बात हमेशा याद रखिए। पुराने टीन अच्छे रहते हैं बेकिंग के लिए। जब भी नया टीन परचेस करो, मार्केट में 2 टाइप के टीन मिलते हैं, एक तो कम हाइट वाला, देन दूसरा ये 3 इंच की हाइट वाला, और एक उससे भी हाइटेड मिलता है। इतनी हाइटेड टीन लेने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। ये जो 3 इंच वाला हाइटेड टीन है ना, वो परफेक्ट है बेकिंग के लिए। तो ये है 5 इंच का टीन जो यूज होता है 500 ग्राम केक के लिए। पर यही टीन में आपने 750 ग्राम की केक बना दी तो ऊपर से डोम आएगा, ठीक है, क्योंकि इसकी जो कैपेसिटी है वो 500 ग्राम केक की है। 750 ग्राम भी इसमें बना सकते हो, पर हाँ थोड़ा सा इसमें डोम आएगा। दूसरा टीन आता है 6 इंच का, ये है 6 इंच। अच्छा, इंच कहाँ से मेजरिंग होते हैं? यहाँ से इंच का मेजरिंग होता है। तो ये है मेरे पास 6 इंच का टीन। ऑफ कोर्स इसकी हाइट भी 3 इंच है, हाइटेड है, इससे ज्यादा भी हाइटेड टीन आते हैं, पर ये बेस्ट है। ये टीन है, इसमें आप बना सकते हो 1 kg की केक, ठीक है, यानी 5 इंच में 500 ग्राम। और जो मैं ये केक की बात कर रही हूँ वो आइसिंग के साथ कर रही हूँ। जब भी आप, मैं बोलती हूँ कि 500 ग्राम केक, मतलब इसमें 500 केक तो बेसिकली आधी यानी 250 ग्राम ही बनेगी, पर जब इसको आपको कट करके वाटर से सॉक करके उसमें सारे फिलिंग करके आप पूरी रेडी करोगे तब जाके वो 500 ग्राम की बनती है। पर जो बेकर्स की लैंग्वेज है उसमें इसको ऐसे ही कहते हैं कि भाई ये 500 ग्राम का टीन है, ये है 6 इंच का। ये बेसिकली होता है 750 ग्राम के लिए और 1 kg के लिए। 1 kg क्यों? क्योंकि आजकल जो मार्केट में हाइटेड केक का बहुत ही क्रेज है, तो इसमें आप 1 kg की केक भी बना सकते हो और 750 ग्राम की केक भी बना सकते हो। दूसरा, कितना टीन फिल करना चाहिए। हमेशा कभी कभी क्या होता है कि थोड़ा बैटर ज्यादा हो गया तो इसमें ही आप फिल कर दोगे, तो वो आपका वेस्टेज होगा, क्योंकि केक उतना ही फूलेगा जितनी इसकी हाइट है, या फिर उस पर बहुत बड़ा डोम आएगा जो वेस्ट होता है। तो हमेशा अपने टीन को आधा फिल कीजिए। अगर बैटर थोड़ा बचा है तो दूसरे टीन में फिल कर दीजिए। हमेशा आपका टीन आधा ही फिल होना चाहिए। आधा जो है वो उसकी राइज होगा बेक होने के बाद। तो ऑलवेज याद रखिए, सिर्फ आधा टीन, आधे टीन से आधे इंच तक आप भर सकते हो, पर आधे टीन से 1 इंच जितना ऊपर नहीं भर सकते, वरना आपका प्रॉपर जो बेक होना चाहिए केक वो प्रॉपर बेक नहीं होगा, ठीक है। और ये है, मैंने आपको बताया 6 इंच का टीन 750 ग्राम के, देन 1 kg केक के लिए है। उसके बाद आते हैं बारी 7 इंच के टीन में। तो ये जो 7 इंच का टीन है उसमें आपकी केक बनेगी 1 kg। 1 kg केक आप इसमें बनाओगे तो जो थोड़ी सी फ्लैट केक बनती है, मतलब दिखने में बड़ी लगेगी, हाइट में कम लगेगी, इसमें आप 1.5 kg की केक भी बना सकते हो। तो 7 इंच का जो टीन है वो है परफेक्ट 1 kg के लिए और 1.5 kg के लिए। बस इसी तरह आप टीन की साइज जैसे ही इंक्रीज होती है वैसे आप अपना जो केक का वजन है उस तरह से आप डिवाइड कर सकते हो। ओके, तो वापस रिपीट करूंगी, जब भी आप टीन आप परचेस करो तो 3 इंच या 4 इंच की हाइटेड टीन परचेस कीजिए। अगर आपके पास पुराने टीन पड़े तो इट्स ओके, वो भी चलते हैं, ऐसा नहीं है कि उसमें काम नहीं होगा। पर जब भी, क्योंकि डोम जब आता है ना केक पर, तो उसको सेट करने में थोड़ी दिक्कत होती है, या तो आपको उसको काट के वेस्ट करना पड़ता है या फिर उसको थोड़ा थोड़ा बारीक कट करके अंदर सेट करना पड़ता है। तो जो परफेक्ट शेप आता है ना वो कभी कभी मिस हो जाता है। तो हमेशा अपना टीन का साइज देख के परचेस कीजिए, ऑलवेज एल्यूमिनियम के टीन यूज कीजिए। देन मैंने पहले वीडियो में बताया है कि किस तरह से आपको ओवन में या कुकर कढ़ाई में किस तरह से बेक कर सकते हो, उसको फॉलो करना है।
ओके थैंक यू। अगली टिप्स मैं आपको वापस दूसरे वीडियो में बताऊंगी, और ऐसी बेकिंग और कुकिंग रिलेटेड टिप्स के लिए लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल जायका जिग्नास किचन।